हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वायानेट हेल्थ। मैं हूं आपके साथ भव्या। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक के बारे में। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुल्तानी मिट्टी के क्या क्या फायदे होते हैं हमारी त्वचा पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आप अपने फेस पर मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक बना सकते हैं, और यह घरेलू फेस पैक आपकी त्वचा को और खूबसूरत बनाने में काफी मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं इन फेस पैक की डिटेल्स। तो फर्स्ट पैक है मुल्तानी मिर्ची और रोज वाटर, यानी कि मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल आपकी त्वचा को और निखारने में काफी ज्यादा फायदा करता है। तो अगर आप एक कटोरी में 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 1 चम्मच गुलाब जल को मिक्स कर इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार करेंगे, फिर इसे अपने चेहरे पर लगाइए। इससे आपके फेस का पीएच लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके लिए गुलाब जल काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर आपको अपनी ऑयली स्किन को ड्राई बनाना है तो उसके लिए आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए। 1/2 घंटा इस फेस पैक को अपने चेहरे पर लगाइए और फिर इसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। इसके बाद आपकी स्किन का टोन काफ़ी ज़्यादा निखर जाएगा। सेकेंड पैक, बादाम दूध और मुल्तानी मिट्टी। बादाम और दूध आपकी त्वचा को कोमल और सॉफ्ट बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो अगर रात को आप 4 से 5 गिरी बादाम की दूध में भिगो कर रखेंगे और सुबह इस पेस्ट को पीस कर मुल्तानी मिट्टी के साथ अपने चेहरे पर लगाएंगे तो इससे आपकी ड्राइनेस जो है वो कम हो जाती है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इस पैक को ज़रूर लगाएं। सर्दियों में अक्सर आपने देखा है आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो अगर आपकी त्वचा ड्राई है तो बादाम और दूध को मिक्स करके आप अपने चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी त्वचा की ड्राइनेस भी कम होएगी और आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। तो इस पैक को आप रोज़ाना हफ्ते में 2 बार लगाइए और अपने चेहरे को निखारिए। थर्ड टिप, मुल्तानी मिट्टी और टमाटर। टमाटर का रस आपकी त्वचा को और ग्लो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप मुल्तानी मिट्टी के अंदर 2 चम्मच टमाटर का रस मिलाएंगे तो इससे आपकी त्वचा और भी ज़्यादा शाइनी हो जाएगी। तो अगर आपको अपनी त्वचा को और भी चमकदार बनाना है तो इस पैक का इस्तेमाल कीजिए। टमाटर के अंदर एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो आपकी त्वचा को कोमल बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो इस पैक को आप हफ्ते में 3 बार अपने चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद आप इसे हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। इससे आपकी डेड स्किन भी खत्म हो जाएगी और आपकी त्वचा और भी शाइन करेगी। फोर्थ पॉइंट, मुल्तानी मिट्टी और पुदीना पाउडर। ये फेस पैक उनके लिए बहुत ही फायदेमंद करता है जिनके चेहरे पे दाग धब्बे या डार्क स्पॉट्स होते हैं। अगर आपको अपने चेहरे के डार्क स्पॉट्स को हटाना है तो यह पैक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप मुल्तानी मिट्टी के अंदर पुदीने के पत्तों के पाउडर को मिलाकर उसका गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे तो उसको अपने चेहरे पर लगाएं। फिर 20 मिनट बाद आप हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। इसके बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे और आपका चेहरा और भी ज़्यादा चमकदार और ग्लोइंग हो जाएगा। फिफ्थ पैक है मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर। चंदन पाउडर आपकी त्वचा को कोमल बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो अगर आपकी स्किन भी ऑयली है या फिर डार्क स्पॉट्स हैं तो उसके लिए मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर का फेस पैक तैयार कर लीजिए। चंदन पाउडर आसानी से आपके घर में भी मिल जाएगा, और अगर आप इस पेस्ट को रोज़ाना हफ्ते में 2 बार अपने चेहरे पर प्रयोग करेंगे तो इससे आपके डार्क स्पॉट्स और ऑयली त्वचा भी खत्म हो जाती है। तो चंदन के पाउडर को आज ही मुल्तानी मिट्टी के अंदर मिलाइए और 20 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाइए। इससे आपकी त्वचा का तेल जो होता है वो कम हो जाता है और आपकी त्वचा और भी चमकदार हो जाती है। सिक्स पैक है मुल्तानी मिट्टी, शहद और पपीता।
पपीता आपकी त्वचा के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। पपीते के अंदर एक ऐसा ब्लीचिंग गुड़ होता है जो आपकी त्वचा से डेड सेल को कम करने में मदद करता है। तो अगर आप मुल्तानी मिट्टी और शहद और पपीते को पीस कर उसका पेस्ट तैयार करेंगे, फिर उसे 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाइए, फिर आप हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके चेहरे पे एक ग्लो आ जाएगा और आपकी त्वचा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस पैक को हफ्ते में आप 3 बार अपने चेहरे पर लगाएं और फिर आप अपनी त्वचा में खुद ब खुद एक चेंज देखेंगे। सेवेंथ पॉइंट है मुल्तानी मिट्टी और गाजर। अगर आप अपने चेहरे के रिंकल्स और झुर्रियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए यह पैक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो अगर आप मुल्तानी मिट्टी के अंदर एक छोटी गाजर को घिस कर उसका पैक बनाएंगे और फिर इसे अपनी रिंकल्स वाली त्वचा पर लगाएं, तो इससे आपकी झुर्रियों की समस्या दूर हो जाती है और आपकी स्किन भी टाइट हो जाएगी। तो अगर आपको अपने रिंकल्स को कम करना है तो इस पैक का इस्तेमाल आज ही कीजिए और 20 मिनट बाद इस पैक को आप ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। इससे आपकी रिंकल्स की समस्या दूर हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो की लास्ट टिप है मुल्तानी मिट्टी और नारियल का तेल। नारियल का तेल आपकी त्वचा में एक नमी बनाता है, तो अगर धूप में घूमते हुए आपकी स्किन में भी टैनिंग हो गई है तो उस समस्या को दूर करने के लिए यह फेस पैक काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद करता है। तो अगर आप भी मुल्तानी मिट्टी और नारियल के तेल को मिक्स करके एक पेस्ट बनाएंगे और रोज़ाना इसे रात को सोते समय अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए, इससे आपकी त्वचा में नमी भी बनी रहती है और आपकी डेड स्किन भी ख़त्म हो जाएगी। तो आज इस पैक को अपने चेहरे पर लगाइए और अपने फेस के कालेपन को दूर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो यह सब थे मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक। अगर आपकी स्किन भी डल हो गई है या उस पर दाग जैसी समस्या है तो इन फेस पैक को आप अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए, इससे आपकी स्किन और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और ग्लोइंग हो जाएगी। तो ऐसी ही और हेल्दी और ब्यूटी वीडियोस लेकर मैं फिर आऊंगी। तब तक आप अच्छा खाइए और अपनी त्वचा को निखारिए और आप हमारे चैनल वायानेट हेल्थ को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अब आप अपने स्मार्टफोन में हमारी एंड्रॉयड ऐप हेल्थ टिप्स वीडियोस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।